बुलंदशहर कोर्ट के आदेश पर 5 साल बाद सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार कराने के लिए थाने के चक्कर काट रहा पीड़ित परिवार। बुलंदशहर शिकारपुर तहसील के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव में 5 साल पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरी कहानी पुलिस ने कई झोल नजर नहीं आ रहा है। पीड़ित द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अहमदगढ़ थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता ने कोर्ट को बताया था कि गत 24 दिसंबर 2014 को जब वह 14 साल की थी, तब वह घर से घेर पर पशुओं को चारा डालने जा रही थी तो दो युवकों ने उसके मुंह पर रुमाल डालकर बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। आरोप है कि दोनों युवकों ने उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसके बाद आरोपियों ने उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया। 1 साल बाद वे किसी प्रकार उनके चंगुल से छूटकर रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने को जा रही थी तो वे एक महिला और एक व्यक्ति ने उसकी स्थिति को देखकर बचा लिया। उसके बाद महिला ने उस व्यक्ति से उसकी शादी करा दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक आरोपी के खिलाफ नाम दर्ज, दूसरे अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि FIR दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी खुला घूम रहा है। उसे गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस ने अभी तक जेल नहीं भेजा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है, आरोपी युवक दबंग में पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके चलते अहमदगढ़ पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने में असफल नजर आ रही है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना कि आरोपी युवक व अहमदगढ़ पुलिस द्वारा फैसला करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। जब इस संबंध में अहमदगढ़ थाना प्रभारी से बात की गई तो बताया जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इरशाद मलिक, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू कुमार है। कौन से काम करने वाले? ढकनंगला। अच्छा, जो घटना हुई है कौन लगती है आपकी? बहन लगती है। अच्छा, क्या मामला, क्या घटना हुई इनके साथ? यहाँ से 5.5 साल पहले इसको मतलब घर से अगवा करके ले गया था, बेहोशी की दवा सुना कर। कौन ले गया था? सत्यम। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? सन ऑफ सुखवीर सिंह। अच्छा, जंगले का रहने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ले गया था। अब 5.5 साल में आइए तो इसने आकर नाम बताया है। अच्छा, मुझे वो लेके गया था। इसके साथ वहाँ पे बलात्कार मतलब इससे धंधा बंदा जो भी उसको किया उसने कराया जो भी है। अच्छा, अब यहाँ आई हैं, थाने में गए और रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई है? नहीं हुई है। नहीं, ऐसो ने 2.5 लाख रुपये ले लिए हैं और हमें मतलब फैसला करने के लिए प्रेशर डाल रहा, दबाव डाल रहा है। अब इस समय मुकदमा दर्ज हो गया है? थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, फिर हम उच्च न्यायालय वहाँ पे बुलंदशहर गए हैं। अच्छा, अदालत में कोर्ट द्वारा वहाँ से कर की है कार्रवाई। अच्छा, वहाँ से मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ जी। कई लोगों के खिलाफ हुआ है? जी, एक अज्ञात लोग है और एक है जिसको ये जानती है, उसका नाम है सत्यम, एक अज्ञात में। अच्छा, एक नाम दर्ज, एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ जी, हाँ जी। दोनों कहाँ हैं, खुले घूम रहे हैं या गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस? नहीं, एक जिसे हम जानते हैं वो खुला हुआ घूम रहा है, हमारे गेट पर आकर गाई वाई भी देता है, गाड़ी लॉन्च करता है, बोलता है तेरी दूसरी बहन है उसको भी ले जाऊँगा। अच्छा, इसकी कंप्लेंट की थी पुलिस में, इस तरह की धमकी देता है? गए थे हम, पुलिस ने कुछ नहीं किया, धमका के भगा दिया और फैसले के दवा लिए दबाव कर डाल रहे हैं। अरे, नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इनसे संबंध बताया इनका कुछ कराया? हाँ, इन्होंने ही पैसे लिए हैं, हमारी कुछ सुनते ही नहीं है। कुमार, कौन से गांव के रहने वाले हो? नंगला। अच्छा, ये लड़की है, क्या लगती है आपकी? जी, हमारी धेती लगती है वैसे। अच्छा, क्या घटना हुई है इसके साथ? घटना ये है कि ये सन 2014 में इस लड़की को सुबह सुबह अगवा कर लिया गया था। अच्छा, अज्ञात, कोई पता भी नहीं थी कौन इसको लेके गया है, यहाँ से कहाँ लेके गया है। ये लड़की 5.5 साल इसको अगवा करके रखा गया जी। जब ये बेटी यहाँ वापस आई है तो बेटी ने अपने बयानों में जो इसके साथ घटना घटी गई, जिसने घटी उसको यानी कि सामने निकाल कर लाई है, उस शख्स के खिलाफ इसके परिजन थाने पहुँचे, थाने में इसकी घटना को लिखवाने के लिए कोशिश करी, लेकिन थाने ने, प्रशासन ने बिल्कुल भी इसकी सुनवाई नहीं की जी। जब थाना इसके दबाव में, दूसरे पक्ष के में सुनवाई नहीं हुई तो ये कोर्ट द्वारा बुलंदशहर इनका मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ हुआ है? जी, कितने लोगों के खिलाफ हुआ? ये 2 लोगों के मुकदमा खिलाफ हुआ, जिसमें यानी बताते हैं, एक सत्यम सनोव सुखवीर सिंह जी और दूसरा अज्ञात है। अच्छा, ये जो सत्यम सनोव सुखवीर सिंह है, इसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है? जी, गिरफ्तारी अभी किसी की भी नहीं हुई, पुलिस इस टाइम पूरा पैसे के लोभ में बिकी हुई है, प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है हमारे यहाँ का। जिस तरीके से नए थाना प्रभारी आए हैं, इनसे मिले, क्या कह रहे हैं इस बारे में? किसी से भी मिल लो, ये थाना ही भ्रष्ट है। जब कीमत इतनी मुँह मांगी मिल रही है तो यानी कि हर आदमी
अपने बयान बदल देगा और क्यों कार्रवाई करेगा। जैसा कि यहाँ ये लोग सुन नहीं रहे हैं, इसको लेकर कहाँ कहाँ तक जाएंगे अभी इसकी गिरफ्तारी? हम तो जी लखनऊ, इलाहाबाद, जहाँ भी पेश जाएगी वहाँ तक कोशिश करेंगे, लेकिन न्याय के लिए तो जब तक शरीर में सांस है कोशिश करते रहेंगे न्याय मिले। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? घर से घर पे आ रही थी भैंसों को चारा डालने के लिए। अच्छा, कब की बात है? सन 2014 की। अच्छा, क्या हुआ फिर? वो दो तीन लोग आए थे। कौन कौन थे? एक तो सत्यम था और बाकी लोगों को मैंने। अच्छा, सत्यम क्या कराने वाला है? ढकनंगला का। चलिए, अच्छा क्या हुआ उसके बाद फिर? तो वो मेरे लिए बेहोश करके और उठा के लेके चले गए। अच्छा, जब होश आया कहाँ मिला? जब मुझे होश आया तो मैं अनजान जगह में बंद कमरा में थी। कितने टाइम तक रहे वहाँ? वहाँ पर रहे थे दो तीन दिन तक। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? बलात्कार करते थे ये लोग। उसके बाद कहाँ गए? तो दो तीन दिन बाद मेरे लिए कहीं अंत बेचते। फिर मैं वहाँ पर सोते समय सब लोगों को छोड़ के मैं निकल के आई। अच्छा, जब जो है आपको दूसरी जगह भेज दिया, कितने दिन रहे थे वहाँ दूसरी जगह? वहाँ पर तो मैं रही थी काफ़ी दिन। अच्छा, कौन लोग थे वहाँ? वहाँ पे भी चार पांच लोग थे। वो क्या करते थे? वो भी बलात्कार करते थे। अच्छा, उसके बाद कब निकले फिर वहाँ से? तो जब वो सब सो रहे थे रात में मैं निकली थी जी। तो मैं प्लेटफार्म पे गई थी मरने के लिए जी। और एक लेडीज ने मुझे बताया, मुझे समझाया, मेरे लिए जैसे समझाया तो मोते है का कही कि तुम्हें घर वाले ने मिला दी थी। अच्छा, तो वो ही मेरे लिए घर छोड़ के गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ थाने कंप्लेंट की गई थी। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ, कोई जवाब ही नहीं है वहाँ पे। कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है? कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, थाने तक पहुँचे, थाने में कोर्ट में भी बयान भाए। अच्छा, और एसपी जो बोला उनके यहाँ पे भी गए हम, कोई कार्रवाई ना कर रही पुलिस। तो पुलिस तो बिकी भैया, पुलिस तो दबाव डाल भी के लिए फैसला के लिए मेरे भैया को दो उनको नाम लिखवा रखा पुलिस ने। तो क्या कहते हैं तुम्हारे भाई से? केवल बलात्कार का केस वहाँ लगा रखो अपने बहू के ऊपर, झूठो केस गए। मेरे भैया तो दोनों कावर ले गए, कोई वीडियो है भैया की मेरे इनकी कावर की तो कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? इसमें कौन से गांव के रहने वाली हो? लखनऊ। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ? सवेरे के 5 बजे, ये तो मैं जानती नहीं हूँ कितने दिन की है, पढ़े लिखी है, 6 साल हो गए लड़की को। अब आई थी यहाँ तो उन्होंने, हमने बताई थी कि मुझे ऐसे ऐसे ले गया, हमें कोई पता नहीं थी। अच्छा, इसने लड़की ने बताई कि हम जो तीन जने लेके गए यहाँ थे, तो हमने कार्रवाई की पुलिस में, हमारी कोई कार्रवाई सुनी नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं पुलिस वाले? अब जाते हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी सो हमने फिर ऊपर जा कर लिखी, फिर उनको पैसा दे दिए, दो ढाई ढाई लाख रुपया। हम तो पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा, रिपोर्ट लग गई है? अब हमारी रिपोर्ट लग गई, हमने थाने तक ऊपर ब्लैंक तक बोली है। अच्छा, रिपोर्ट देने के बाद गिरफ्तार हुए नहीं हुए लोग? कोई नहीं, वो तो खुले डोल रहे हैं और हमारे घर पर आके धमकी देते हैं के नहीं के। क्या कहते हैं? सीटी बजाते हैं और गाली गलौज करते हैं हमारी लड़की के साथ में, दूसरी लड़की है उसे भी ले जाएंगे। हम गरीब आदमी हैं, वो पैसा वाले हैं, पैसा भर भर के नहीं अपने, मेरे बच्चन को नाम लिखवा दो दोनों को, बलात्कार को अपनी बहू के संग में। जो लड़के हैं वो सीटी बजाते हैं, इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? भाई हमारी कोई कार्रवाई सुनी ना रही।